तो सुप्रभात, गीता के उपदेश में आपका स्वागत है। तो गीता का ज्ञान, तो इसमें हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि गीता का उपदेश क्यों जरूरी है और इससे क्या-क्या लाभ होते हैं। तो गीता जो कि कृष्ण भगवान द्वारा की गई बातों का जिक्र है, जिसमें उन्होंने फल के बारे में और कर्म के बारे में सभी चीज़ों के बारे में बताया है। तो आज उसी गीता के बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि गीता क्यों पढ़नी चाहिए और गीता से हमको क्या-क्या जानकारियाँ मिलती हैं और कैसे जीवन को वह सुलभ बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गीता के उपदेश के साथ शुरुआत। तो वो गीता के इम्पोर्टेंट्स को हम आज आपको समझाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भागवत गीता से क्या लाभ है, मतलब भागवत गीता से लाभ क्या क्या होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि घर में भागवत गीता जरूर रखनी चाहिए, रोजाना इसका पाठ भी करना चाहिए। भागवत गीता का पाठ करने से जीवन की कई समस्याओं का हल मिलता है। भगवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति में ना सिर्फ सोचने की समझने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि उसे कई प्रकार के गुप्त लाभ भी होते हैं। इसके अलावा गीता का पाठ करने से ऐसे कई फायदे होते हैं जिनके बारे में व्यक्ति को पता ही नहीं। तो चलिए बताते हैं कि आपको गीता का पाठ करने के अनूठे फायदे। जैसे पहला फायदा ये है कि गीता का पाठ करने से ज्ञान के साथ साथ मन की शांति भी प्राप्त होती है, और साथ ही साथ गीता का पाठ रोजाना करने से जीवन की परेशानियों के हल भी मिल जाते हैं, और गीता के पाठ को नियमित रूप से करने से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और उसके बाद गीता का पाठ आपको सफलता की ओर ले जाया जा सकता है। अगर आप गीता का पाठ करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें बताई जाती हैं जो सफल होने में बहुत ही सहायक होती हैं, और साथ ही साथ गीता का पाठ करने से व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से लड़ने की काबिलियत रखता है। गीता का पाठ करने से गृह शांति के साथ साथ ग्रहों की भी शांति, मतलब ग्रहों की शांति के उपाय होते हैं। गीता का पाठ करने से कुंडली में मौजूद किसी भी प्रकार का दोष दूर हो जाता है। गीता का पाठ करते समय हाथ में सूत्र यानी कि धागा बांधने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। गीता का पाठ करने से व्यक्ति ऊपरी बाधाओं की चपेट में आने से बचा रहता है। गीता का पाठ नियमित रूप से करने से मृत्यु के बाद पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। गीता का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बीमारियों से भी छुटकारा दिला सकता है गीता का पाठ। अगर गीता के पाठ के साथ साथ घर में यज्ञ करवाया जाए तो इससे वास्तु दोष का निवारण भी हो जाता है। गीता का पाठ अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। गीता के पाठ के प्रभाव से आपके शत्रु द्वारा आपके विरुद्ध रचे गए सभी षड्यंत्र विफल हो जाते हैं। भगवत गीता के पाठ से घर में माँ लक्ष्मी की पूजा के नियम का वास हमेशा बना रहता है। जय श्री कृष्णा, सभी प्राणी मेरे लिए बराबर हैं, ना मेरा कोई अप्रिय है ना ही प्रिय है। जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी उपासना करते हैं वह मेरे समीप रहते हैं और मैं भी उनके निकट रहता हूँ, ये श्री कृष्ण जी के वचन है। तो ये तो मैंने बताया आपको गीता के जो जो लाभ होते हैं इनके पढ़ने। तो ये जो अभी आपने समझा गीता का पाठ क्यों करना चाहिए और इसे लाभ क्यों है, अगर आपको ये पसंद आया और इस तरह की आप जानकारियाँ जानते हैं या जानना चाहते हैं या फिर उपदेशों के बारे में चर्चा सुनना चाहते हैं तो हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।